हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज पार्क। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण एवं सतत विकास। फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण और पहला क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन एक में है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। सेकेंड ऑप्शन है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। ऑप्शन नंबर थ्री है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन फोर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, सभी ऑप्शन सही है। इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम लोग। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनका समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संघटक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया से संबंधित होते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है 1, 2, 3 ये सभी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आई होप कि आप इन डिटेल इस क्वेश्चन को समझे होंगे और मेरा रिक्वेस्ट है कि ऑप्शंस जो भी हम लोग बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक बार वीडियो देख लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। और एनवायरनमेंट इकोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने उसी क्वेश्चन का संग्रह किया है जो पूछे गए। पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन है जैविकीय घटकों से, ये सही है। भू आकृतिक घटकों से, ये भी सही है। अजैव घटकों से, यह भी सही है। और उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है, यानी ये बनता है। इसमें जैविक, अजैविक, भौतिक व भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं, इसीलिए इसका सभी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन भी UPPCS प्री 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन है परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसका आंसर हो जाएगा परिचालन पर्यावरण। ये जो है वर्गीकरण का अंश नहीं है। पर्यावरण को वर्गीकृत किया जाता है भौतिक पर्यावरण में, सांस्कृतिक पर्यावरण में और जैविकीय पर्यावरण में। चलिए इन डिटेल्स इसको समझते हैं हम लोग। आखिर ये जो पर्यावरण है इनको हम कितने भागों में बांटते हैं? तो इनको जो वर्गीकृत किया जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट में, कल्चरल एनवायरनमेंट में और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वर्गीकृत किया जाता है। फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसको भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, उसके अंतर्गत भू आकृतिक जलाशय, जलवायु, मिट्टी, चट्टाने, खनिज इत्यादि आते हैं। वहीं अगर सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करें तो इसके अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां होती है, जैसे कि आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं इत्यादि सम्मिलित की जाती है। वहीं बात करें जैविक पर्यावरण की, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत जितने भी वनस्पति होते हैं, जंतु, मानव सहित जो भी है, जीव जंतु और छोटा से छोटा जीव, सबको शामिल किया जाता है जैविक पर्यावरण में। तो ये 3 कैटेगराइज किए गए हैं, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। और ये परिचालन पर्यावरण ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और उसके क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू। बाय।